नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आज हम बात करेंगे उपचुनाव को लेकर के। उपचुनाव में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सत्यम। अभी देखा गया है कि भाजपा आगे चल रही है, जो उपचुनाव में जो मेन की पॉइंट थे शिवराज और कमलनाथ को लेकर के बहुत चर्चा हो रही थी। अभी जो है कमलनाथ थोड़ा शांत बैठ गए हैं, अभी शिवराज आगे निकलते दिख रहे हैं, जो कि रुझान में दिख रहा है कि 18-9 की बढ़त बनाई हुई है भाजपा ने। देखिए सत्यम, दो चीज समझिए। कमलनाथ जी हमेशा बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब उनकी बातों के परिणाम देखे जाएं तो वो हमेशा छोटे आते हैं। किसान कर्ज माफ़ी होगी, किसानों की कर्ज माफ़ी होने, सब किसानों की कर्ज माफ़ी होगी, फिर मालूम पड़ता है 2 लाख की होगी, फिर 2 लाख में भी इसकी होगी, इतनी होगी, ये होगा, वो होगा, आपने देखा ही। तो जब कमलनाथ जी बात करते हैं, बड़े चतुर सुजान राजनेता हैं, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परिणाम बहुत छोटे आते हैं। ठीक ऐसा ही इन 28 सीटों पर हो रहा है। उन्होंने कहा था कि हम 28 की 28 जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे। इसके पहले उन्होंने कहा था, जब उनकी सरकार गिरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गिरा दी, तो कमलनाथ साहब बोले थे कि 15 अगस्त पे जो कांग्रेस है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ झंडा फहराएंगे, कांग्रेस ने दावा किया था। उन्होंने तो ये भी कहा था कि विधानसभा स्पीकर भी कमलनाथ ही चुनेंगे। हाँ, दावा तो ये भी था। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। आज की राजनीति के हिसाब से कमलनाथ मिसफिट हैं। कमलनाथ उस दौर के राजनेता है कि इसी कमरे में बैठ के राजनीति की जाती थी, जनता के बीच में जाया नहीं जाता था, जनता को किसी चीज़ में भागीदार बनाया नहीं जाता था। था ना वही नेता कहे सो सही, जो नेताजी कहते थे वो सच होता था और बाकी सब झूठ होता था। तो एसी कमरों में बैठ के राजनीति करने वाले कमलनाथ अब जमीन की राजनीति नहीं समझते हैं। मध्य प्रदेश में राजनीति की, छिंदवाड़ा के नेता रहे, वो छिंदवाड़ा के सांसद रहे, छिंदवाड़ा से कभी बाहर नहीं निकले, छिंदवाड़ा से उनका प्रभाव जबलपुर तक देखने को नहीं मिला। लोग कहते हैं महाकौशल के नेता है, लेकिन मैं तो ये भी नहीं मानता कि वो महाकौशल के नेता है। वो महाकौशल में बता दें कि सीट पर मैं आदमी जिता के दिखा दूंगा। भाई एक शब्द है सत्यम, क्षत्रप, हम कहते हैं ना क्षत्रप है वो वहाँ का, तो क्षत्रप माने क्षेत्रीय नेता, जो क्षेत्रीय जनता का प्रतिनिधित्व करे, जो क्षेत्रीय जनता की राजनीति करे, वो क्षत्रप। तो ये क्षत्रप हैं, ये कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है, ये कोई चमत्कारिक नेता नहीं है कमलनाथ, ये एक छोटे से इलाके का छिंदवाड़ा के नेता हैं, ये मध्य प्रदेश के भी नेता नहीं बने। 15 महीने कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 15 महीने में वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाए। तो कमलनाथ जी जमीन से जुड़े नेता नहीं है, ऐसा कहना है अनुराग उपाध्याय जी का। फिलहाल हम आपको बताते हैं अपडेट, 19 सीटों पर भाजपा आगे है और 8 सीटों पर कांग्रेस आगे है और 1 सीट पर बीएसपी जो मुरैना से बढ़त बनाए हुए है। ये खाली खाली अभी तक ये रुझान दिखाए जा रहे हैं, अभी जीत हार का फैसला नहीं हुआ है। लेकिन सत्यम जी, मैं यहाँ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि दखल न्यूज ने भी जो सर्वे किया था उसमें 1 सीट बीएसपी को दी थी और 15 से 18 के बीच में जो सीटें हैं वो बीजेपी की आ सकती हैं, ये संभावना थी हमारे दखल के सर्वे में, और 9 से 11 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। हालांकि इस सर्वे के बाद लोगों ने बड़ी टीका टिप्पणियां की थी, आपको याद होगा जी, लेकिन मुझे लगता है सर उसी के आसपास से जो रुझान है ये यही परिणाम में तब्दील होंगे। तो उसी जो हमारा सर्वे था, जो हमारा एग्जिट पोल था, ये उसी के करीब करीब है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव गद्दार वर्सेज अपनों को लेकर के चुनाव लड़ा गया था, गद्दार और वफादार को लेकर के, गद्दार वफादार आइटम, ये किए गए थे सत्यम। ये चुनाव उपचुनाव है, उपचुनाव बहुत महत्व नहीं रखता, लेकिन चूंकि यहाँ शिवराज परमानेंट सीएम बनेंगे कि नहीं ये तय होना था, क्या कमलनाथ की वापसी हो पाएगी ये तय होना था, इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, उपचुनाव होने के बावजूद बहुत महत्वपूर्ण था। और ये चुनाव में शब्दों की जो मर्यादा है उसका जबरदस्त तरीके से हनन हुआ है, दोनों ही तरफ से हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी ने कम गंदे शब्द बोले या कांग्रेस ने बोले, कांग्रेस ने तो गंदगी की शब्दों से इंतहा कर दी थी। कमलनाथ की सहयोगी मंत्री, उनकी कैबिनेट में 15 महीने उनके साथ सहयोगी रहीं, इमरती देवी, उनको वो आइटम बोलते हैं क्या? आप बताइए ये कोई संस्कार है क्या? क्या जनता इस तरह की चीजों को स्वीकार करती है? अगर जनता आइटम शब्द को स्वीकार कर रही होती तो इमरती देवी की जो बढ़त है वो नहीं होती। इमरती देवी बहुत शानदार तरीके से जीत रही हैं, डबरा से इमरती देवी आगे चल रही हैं लगातार, आप देखिए पहले राउंड से उनकी जो बढ़त है वो कम नहीं हो रही, वो धीरे 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 बढ़ रही है। तो आइटम कहने को लोगों ने खारिज कर दिया, आइटम के साथ कहीं लोग कमलनाथ को खारिज ना कर दें ये हमें शाम तक पता चल जाएगा। भाजपा में भी बिसाहू लाल सिंह ने कुछ गलत शब्दों का हाँ, इस्तेमाल किया, एक अपने प्रतिद्वंदी की जो पत्नी है उनको लेके उन्होंने बहुत हल्के शब्द का प्रयोग किया था और
हम लोग जो भी टेलीविज़न में या अखबारों में काम करते हैं, हम इस तरह के शब्दों को मान्यता नहीं देते, इस तरह की गंदी जुबान की हम पैरवी नहीं करते। लेकिन हो सकता है कि वो एक लोक संस्कृति में रचा बसा शब्द है, और जिस तरह से बिसाऊलाल सिंह अनूपपुर में आगे चल रहे हैं, उसको देख के लगता है कि उसको लोगों ने अन्यथा नहीं लिया वहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग अच्छे या बुरे हैं, लेकिन उसका वहाँ असर नहीं दिख रहा, क्योंकि बिसाऊलाल सिंह लगातार आगे बने हुए हैं। बिसाऊलाल लाल की भी जो बढ़त है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। तो लेकिन शब्दों की जो मर्यादा थी उसका तो ध्यान बिसाऊलाल सिंह ने भी नहीं रखा था। आपने एक सवाल और किया था, गद्दार और वफादार। जी सर, सिंधिया को लेकर आप क्या कहेंगे? इस चुनाव में सिंधिया का बहुत बड़ा रोल माना जाता है कि सिंधिया आगे आए। देखिए, गद्दार वाले सवाल से हम सिंधिया को 1857 की लड़ाई में, रानी झांसी जब स्वतंत्रता संग्राम की अलग जगह ने कूद पड़ी थी, अंग्रेजों से युद्ध लड़ रही थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां आपको भी याद होगी कि बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तब सिंधिया रियासत के जो भी कर्ता धर्ता थे, महाराज सिंधिया उस समय, उन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। ये सच है, ये कटु सत्य जी है ना। और सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, ये सब उस कविता में है, वो झूठ नहीं है, वो काला अध्याय है। तमाम राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था, उनमें सिंधिया भी एक थे, दोस्ती निभाई थी उन्होंने। लेकिन चुनाव में बोला जाता है राजा हो या रंक, सबको मैदान में आना, सबको मैदान में आना पड़ता, जनता सबकी माई बाप है, ये जनतंत्र है, ये लोकतंत्र है, तो यहाँ लोक और जन, जनता तय करती है। तो सिंधिया के आप इतिहास पे जाइए, सिंधिया ज्योतिरादित्य के पिताजी माधव सिंधिया, उनकी कांग्रेस में बड़ी खटपट चली, एक वर्ग उनको हमेशा दबाता रहा था, उन्होंने भी एक बार कांग्रेस छोड़ दी थी और विकास कांग्रेस की स्थापना की थी, हालांकि वो कांग्रेस में लौट आए थे, मूलतः वो जनसंघ से चले थे। माधव सिंधिया जी की माताजी विजयाराजे सिंधिया नेहरू जी के आग्रह पे वो कांग्रेस में आई थी, लेकिन वो कांग्रेस में डीपी मिश्रा से जब उनका विवाद हुआ, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से सरकार गिरा दी थी और गोविंद नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया था, ठीक ऐसे ही जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार गिरा दी है। आप 67 के बाद 2020, इसलिए याद रखा जाएगा। तो आप इसे राजनीति में महत्वाकांक्षा कह लें, आप इसे गद्दारी कह दें, आप इसे राजनीति में ये कह लें कि उनका लगातार, मेरी जो जानकारी है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मिलकर लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस में अपमान कर रहे थे, उनके लोगों को ये किन प्रकारण प्रताड़ित कर रहे थे सत्ता में होने के बावजूद, और उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, उससे नाराज होकर उन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने उठाया कि ये गद्दार हैं, इन्होंने कहा कि वो 30-35 करोड़ में बिक गए, इनके पास कोई सबूत नहीं है, अभी वो लड़ाई भी आगे बढ़ने वाली है। जिनके ऊपर आपने बिकने के आरोप लगाए वो आपको छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे, वो आपको कोर्ट में घसीटेंगे। तो जो जुबानी खर्च, जमा खर्च किया कमलनाथ साहब ने, दिग्विजय सिंह साहब ने, वो तो अभी उनको भुगतना शेष है। सर, उल्टे कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि 5-5 लाख रुपए हर विधायक को दिए जाते थे। ये खुलासा डबरा से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं कैबिनेट मंत्री इमरती देवी, उन्होंने किया था कि कमलनाथ बताएं कि वो हर विधायक को 5 लाख रुपया महीना क्यों देते थे, और ये सच्चाई है। मेरे पास भी ये जानकारी आती थी वल्लभ भवन में कि विधायकों को मुंह बंद करके रखने के लिए कि जो चल रहा है चलने दिया जाए और कमलनाथ जी के साथ खड़ा रह जाए, इसके लिए हर्जे खर्चे के रूप में कुछ पैसा दिया जाता था उनको। तो ये इमरती देवी ने खुलासा किया कि 5 लाख रुपया महीना हर कांग्रेस विधायक उस विधायक को दिया जाता था जो मंत्री नहीं बन पाए थे या जिनके काम नहीं हो पाते थे। तो कुल मिला के खरीद फरोख्त करके सरकार चलाने की कोशिश कमलनाथ जी ने भी की। स्पष्ट बहुमत, संपूर्ण बहुमत कमलनाथ जी के पास भी नहीं था, उसी कारण ये स्थितियाँ बनी। और जिस ग्वालियर चंबल के दम पर कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, उसी ग्वालियर चंबल के दम पर कमलनाथ जी की सरकार चली गई। और इस चुनाव में भी वो ग्वालियर चंबल फैक्टर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 28 में से 16 सीटों पर चुनाव है, और वहाँ के बड़े छत्रप, बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता भी छत्रप होने के साथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वे भी वहाँ दमखम के साथ थे, और उनके सबसे ज़्यादा 22 लोगों ने कांग्रेस छोड़ी थी। कांग्रेस की सरकार गिराने का श्रेय उनको जाता है, बीजेपी की सरकार बनाने का श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है। तो इस बार उनके किस्मत का भी फैसला होगा कि सर, बीजेपी में जो रुझान आ रहे हैं, जो बीजेपी आगे चल रही है और जीत की कगार पे है, तो दिग्विजय सिंह ने फिर से एक बार प्रशासन और पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि प्रशासन, ईवीएम और इन सब के कारण बीजेपी आज से नहीं। देखिए, जब से वोटिंग हुआ, वोटिंग का ट्रेंड बता देता है, दिग्विजय सिंह बहुत चतुर राजनेता है। मतलब मध्य प्रदेश में अगर मैं कहूँ एक्चुअल पॉलिटिशियन कोई है, तो निसंदेह दिग्विजय सिंह एक ऐसे राजनेता है कि जो इस हाथ से करते हैं तो इस हाथ को खबर नहीं होने देते कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो हर चीज टोल मोल के बोलते हैं। इस चुनाव में देखिए कि दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे रहे, लास्ट के 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो दिखे।
2020 का मैच भी उन्हें बताया था कि लास्ट बैटिंग में मुझे भेजा गया है, लास्ट बैटिंग में। लेकिन उसमें बीजेपी से हमारी बात हुई, कांग्रेस से बात हुई, दोनों ही पार्टी के लोगों का भीतर खाने ये कहना था कि जब तक दिग्विजय सिंह को भेजा गया तब तक तो सूपड़ा साफ हो चुका था कांग्रेस का। कांग्रेस के जितने लोगों को निष्क्रिय होना था वो निष्क्रिय हो चुके थे, शिथिल। सब कह रहे थे कि अस्थायी सीटें आएंगी। आज सुबह भी दिग्विजय सिंह जब कांग्रेस दफ्तर में जा रहे थे, उनसे संवाददाताओं ने पूछा कि दिग्विजय सिंह जी क्या लगता है वो आपको, तो दिग्विजय सिंह ने कहा 101% हम जीत रहे हैं, 28 सीटें हम जीत रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में वो कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है। जब इस तरह की बातें हों तो आप मान लीजिए कि जो इस तरह की बातें कर रहा है वो हारने वाला है, उसके हाथ से बाजी जा चुकी है। तो दिग्विजय सिंह को मालूम था कि बाजी उनके हाथ से जा चुकी है। दिग्विजय सिंह जी ने गलतियां उसी समय शुरू कर दी थी जब अपने नए नवेले जो विधायक बेटे थे उनको कायदे से राज्य मंत्री बनाना चाहिए था, तजुर्बा लेते फिर मंत्री बनाते, उनको सीधा कैबिनेट मंत्री बना दिया। उनके चक्कर में 28 के 28 कैबिनेट मंत्री बन गए। वहीं से तय हो गया था कि कमलनाथ की सरकार ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें दिग्विजय सिंह का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो अपनी इच्छा से सुपर सीएम बनकर सरकार चला रहे हैं। क्या कांग्रेस पुत्र मुंह में जाएगी, उधर कमलनाथ नकुलनाथ को आगे बढ़ाने में लगे, इधर दिग्विजय सिंह जयवर्धन सिंह को आगे बढ़ाने में लगे, तो क्या कांग्रेस पुत्र मुंह में फंस के रह जाएगी? आपको सत्यम महाभारत याद होगा, धृतराष्ट्र का पुत्र मुंह था, गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, भीष्म की जो आस्थाएं थी हस्तिनापुर से जुड़ी हुई थी, तो उनको वही दिखता था जितना आज दिग्विजय सिंह को दिख रहा है। तो आप देखिए, पात्रों के चेहरे बदल दीजिए, नाम बदल दीजिए, महाभारत तो आज भी चल रही है, पुत्र मुंह आज भी है। किसी के लिए नकुलनाथ होंगे, किसी के लिए जयवर्धन होंगे, तो ये पुत्र मुंह में मर रहे हैं। अब क्या है, इन्होंने कांग्रेस दफ्तर को लॉन्चिंग पैड बना दिया है, पुत्र लॉन्चिंग पैड। तो कहीं से नकुलनाथ लॉन्च हो रहे हैं, कहीं से जयवर्धन लॉन्च हो गए, कोई एक सांसद बन गए, एक विधायक बन गए, लेकिन कांग्रेस का जो एक्चुअल वर्कर है, जो कांग्रेस की ताकत है, वो हाशिए पे है, वो दरी बिछाने तक सीमित रह गया, उसके कभी काम नहीं हुए, वो वोट देता रहा हमेशा, पार्टी का प्रचार करता रहा। उसके बारे में कमलनाथ ने नहीं सोचा, उसके बारे में दिग्विजय सिंह जी ने भी जितना सोचना चाहिए था नहीं सोचा। यही वजह है कि कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरा है। 2018 के चुनाव में आपको बीजेपी से कुछ सीटें ज़्यादा मिली थी, आप अच्छी सत्ता चलाते, सत्ता का सदुपयोग करते, अपने बच्चों की लॉन्चिंग करने के बजाय कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, मध्य प्रदेश की जनता का भला करते, तो आज जो स्थितियां बनी है उपचुनाव की बनती ही नहीं। उपचुनाव भी इसी को लेकर हुआ कि जो जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे, जो विधायक थे, वो कमलनाथ से खुश नहीं थे, कमलनाथ चलो चलो कह के विधायकों को भगा दिया करते थे। हाँ, तो कांग्रेस के विधायकों का वो जो चलो चलो था, वो तो आप कमलनाथ जी को भी चलो चलो झेलना पड़ रहा है ना। आप मध्य प्रदेश अभी जिस तरह के ट्रेंड सत्यम आप देख रहे हैं, आ रहे हैं, ये भी तो चलो चलो है ना, किसी के लिए चलो चलो है, किसी के लिए आओ आओ है। तो अभी जो आओ आओ है वो बीजेपी के लिए, आओ भगत बीजेपी की कर रहे हैं। आप देखें कि आपने भी गद्दार की बात की, गद्दार का मसला उठाया गया, लोगों ने उसको नकार दिया। अभी तक के जो ट्रेंड दिख रहे हैं उसको देख के, ग्वालियर चंबल जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वहाँ का चुनाव थोड़ा विशेष होता है, वहाँ मोहल्ले बटे हुए हैं, जातियों में, उपजातियों में, समाजों में, तो वहाँ वोटिंग का ट्रेंड कोई एक सा नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि 28 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे कमलनाथ, भीतर खाने बैठ के कहते थे 22 तो निकाल ही लेंगे, लेकिन अभी कहाँ टिके हुए हैं। अगर अभी आप देखें तो मुझे लगता है वही 9-10 सीट की स्थिति बन रही है। 18 भाजपा आगे चल रही है और 9 पे कांग्रेस आगे चल रही है, 1 पे मुरैना पे जो है बीएसपी आगे चल रही है। तो बहुत साफ है कि कांग्रेस को, कांग्रेस के मसलों को, कांग्रेस के मुद्दों को, कांग्रेस के 15 महीने की सरकार को जनता नकार रही है। तो हम आपको बता दें कि रुझान क्या है। अभी 18 सीटों पर भाजपा आगे है, 9 सीटों पर कांग्रेस आगे है और 1 सीट पर बीएसपी आगे है। हम फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।